वेलकम बैक गाइस। अंतरा इंजेक्शन को प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन आप लोगों को 3 मंथ तक प्रेगनेंसी से बचाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस इंजेक्शन को लगाने के इमिडिएटली बाद ये वर्क करने लगता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप सही टाइम पर इस इंजेक्शन को लगवाते हो तो आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, बट अगर आप पीरियड्स के कुछ अलग टाइम पर, दिनों पर इस इंजेक्शन को लगवाते हो और उसी दिन या अगले दिन आप लोग फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो आप लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतरा इंजेक्शन को लगवाने के बाद फिजिकल रिलेशन, मतलब कि शारीरिक संबंध, आप लोगों को कितने दिनों के बाद रखना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये जो अंतरा इंजेक्शन है ये एक हॉर्मोन का इंजेक्शन होता है। इसके अंदर जो हॉर्मोन है वो होता है मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, जो कि सेम टू सेम फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले हॉर्मोन प्रोजेस्ट्रोन का ही एक सिंथेटिक वर्जन होता है। जब कोई महिला इस इंजेक्शन को लगवाती है तो उनकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाता है। बॉडी शॉक हो जाती है, दिमाग को लगता है कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो दिमाग क्या करता है, ओव्यूलेशन को होने से रोक देता है। अब अगर किसी महिला को ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडा नहीं फूटेगा, अगर अंडा नहीं फूटेगा तो वो स्पर्म से नहीं मिलेगा और महिला को प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। अब ये जो चीज़ है ये 84 दिन तक होती रहती है, मतलब 84 डेज तक होती है। मतलब ये जो इंजेक्शन है ये आप लोगों को 3 मंथ तक प्रेगनेंसी से बचाता है, क्योंकि 3 मंथ तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। बस स्टडीज में ये पाया गया कि अगर इस इंजेक्शन को पीरियड्स की कुछ अलग दिनों पर, यूजली हम लोग इस इंजेक्शन को पीरियड्स के 7 दिनों के अंदर अंदर लगवाने की एडवाइस देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अगर कोई महिला इस इंजेक्शन को 7 दिनों के अंदर अंदर लगवा लेती है तो उनको प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। उनको कोई अलग से मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई महिला इस इंजेक्शन को 8वें 9वें 10वें दिन लगवाती है तो उससे इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद उनको ओव्यूलेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे उनको कंसीव हो सकता है। तो अगर आप लोग इस इंजेक्शन को 7 दिनों के अंदर अंदर लगवा रहे हो और उसी दिन आप लोग फिजिकल रिलेशन रखते हैं, स्पर्म अंदर भी चला जाता है, तो आप लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस इंजेक्शन को पीरियड्स के 8वें 9वें 10वें दिन कभी भी आप लोग इस इंजेक्शन को लगवा रहे हो तो अगले 7 दिनों तक या तो आप फिजिकल रिलेशन को अवॉइड कीजिए या फिर आप लोग कोंडम वगैरह जो बैरियर मेथड हैं उनका यूज़ कीजिए, वरना आप लोगों को प्रेगनेंसी लग सकती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।